की छोटी या मोटी राई, कड़ी पत्ता फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूखा भी चल जाएगा। लाल मिर्च मोटे मोटे हिस्सों में काट लीजिए, हरी मिर्च काट लीजिए छोटे टुकड़ों में, और तेल, कोई भी आप तेल यूज कर सकते हैं। अब एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हम आलू डाल देंगे और ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। धनिया पत्ती भी और ये कटी हुई हरी मिर्च भी आदि, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे हम आलू के परोंठे के लिए करते हैं। अब हम ब्रेड लेंगे और इसको हम कटोरी के साथ काट लेंगे और इसको हम कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। ये कॉर्नर्स हमारे बेकार नहीं जाते, ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। ये देखिए ये हमारे राउंड पीस कट गए। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम ऐसे करके ब्रेड के पीस के ऊपर ऐसे करके फैला लेंगे। इसी तरह से हम सब स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे। ये हमने पैन को गर्म कर लिया और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसको हम ऐसे करके हिला लेंगे या ब्रश से हम वो कर लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम ये इडली के हिस्से को रखते जाएंगे। अभी हमारी इडली रेडी नहीं हुई है, ये अभी पकेगी तब ये फिर बताएंगे कि कैसे हम इसकी ब्रेड और आलू की इडली बनती है। और इसको अब हम ढक देंगे और इसको हम पकने देंगे सिम गैस पे। ये हमने 4 बड़े चम्मच दही ले लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से फेंट कर उसके अंदर हमने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा मिक्सी में मिलाकर चला दिया है। अब 2 मिनट के बाद हम इसके ढक्कन को उठाएंगे और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फिर से हम ढक देंगे। अच्छी तरह से फैला लीजिए इसको और इसको अब हम ढक देंगे। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे, देखिए कितनी प्यारी फूल गई। ये अब हम ढक्कन को उठाएंगे, देखिए कितनी फूल गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गाजर, आपके पास कॉर्न्स है आप कॉर्न्स रख सकते हैं, कोई और चीज है शिमला मिर्च, कोई भी चीज, हरा धनिया पत्ती, कोई भी चीज आप डालकर इसको 2 मिनट के लिए और पका लें। अब हम तड़का रेडी कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। जब तेल हमारा गर्म होने लग पड़ेगा तो उसके अंदर राई डाल दीजिए। अब राई हमारी तड़क रही है और फिर कड़ी पत्ता, लाल मिर्च कटी हुई, अब डालकर इसको आप हिला लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ये जल रही है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। थोड़े से छोटे छोटे इमली के टुकड़े भी डाल दीजिए। अब इसका आप ढक्कन उतार दीजिए। तड़का हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए हमारी टिक्की कितनी बढ़िया पक गई है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो हमने तड़का रेडी किया था इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इमली से खटास आ जाएगी। हमारी ब्रेड इडली, सरप्राइजिंग ब्रेड रेडी हो गई है। ये जो हमने चटनी बनाई थी इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तड़का डाल देंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।
और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। हमारी सरप्राइजिंग ब्रेड बिल्कुल रेडी है, इसको ब्रेड इडली भी कहते हैं। थैंक यू।